बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो बेटा, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस को। सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम जो है, क्योंकि एक चेन रिएक्शन है पूरी, सही है, जो कि बड़ी मुश्किलों से याद होती है। अच्छा जी, मैं समझाने वाला हूँ ऑब्वियसली इसको आपको, कि क्या है क्या ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो है हमारे पास जो रास्ता होता है वो ये होता है कि भाई ग्लूकोज पाइरूवेट में ब्रेक होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, जो कि किसी भी किस्म के जो है रिएक्शन के, किसी भी किस्म के रेस्पिरेशन, चाहे एनएरोबिक हो या एरोबिक, उसमें कॉमन होता है। फिर उसके बाद रास्ता होता है कि वो या तो पाइरूवेट एरोबिक ब्रेकडाउन में चला जाए या एनएरोबिक ब्रेकडाउन में चला जाए, ये उसकी मर्जी होती है। मर्जी नहीं, मतलब है कि ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा खैर, ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्या लिखा है, इट इज एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा। ऑक्सीजन तो सबसे आखिर में यूटिलाइज होता है एरोबिक साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद। तो खैर, एनएरोबिक कोई ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रहा, बट ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, यानी ग्लूकोज एक ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो 2 पायरुवेट बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पायरुवेट के पास कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन होंगे। सही है, 3 कार्बन से मिलकर बना होगा। अच्छा भाई, ये एक सीरीज में पूरा होता है, और यानी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है कि ग्लूकोज सीधा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि पूरी सीरीज होती है जिसमें फिर एटीपी भी कंज्यूम होता है और एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है, एनएडी भी फॉर्म होता है। इसके बेसिकली 2 फेजेस हैं, एक प्रिपरेटरी फेज होता है और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी लगानी पड़ती है, और ऑक्सीडेटिव फेज में एनर्जी जो लगाई थी वो रिकवर हो जाती है और प्रॉफिट के साथ आती है। तो खैर, अब ज़रा इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद है। अच्छा, ये शुक्र कर लो कि तुम लोगों के कोर्स में एंजाइम्स के नाम नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, याद होते वो कर ही नहीं पाते फिर। अच्छा खैर, देखो भाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि फोटोसिंथेसिस में एनएडीपी यूज़ होता है, एनएडीपी, जबकि यहाँ पे एनएडी, एनएडी जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ होता है, एनएडीपी जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ होता है। अच्छा जी, ये साइकिल यहाँ पे बनी हुई है कि भाई ग्लूकोज किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, बट ये थोड़ी सी जो है ना, मुझे थोड़ी सी अजीब साइकिल लगी है, तो मैंने जो है ना ये खुद से लिखा है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा। देखो, ये छोटा सा प्रोसेस है कि भाई यहाँ पे लिखा भी है, ये रिटर्न में जो बात साइकिल में हम समझेंगे वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न वर्ड्स में लिखी गई है। अच्छा बेटा देखो, सबसे पहले ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है एक स्टेबल मॉलिक्यूल, सही है, ग्लूकोज एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब उसको अगर फॉर एग्जांपल उसको कन्वर्ट करना है, रिएक्ट करवाना है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एक चीज़ याद रखना कि स्टेबिलिटी जो होती है जिस किसी भी मॉलिक्यूल की, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उसकी उतनी कम होगी, और उस और मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी उतनी कम होगी, यानी जितनी कम एनर्जी रिएक्टिविटी उतनी कम और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। सही है। अच्छा जी, तो इसको अगर रिएक्टिव बनाना है तो उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ख़राब करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एट फर्स्ट स्टेप एटीपी जो है वो एडीपी में ब्रेक हो रहा है, और इससे फॉस्फेट और एनर्जी निकल रही है, जो कि ग्लूकोज, क्योंकि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। सही है, अब ये फॉस्फेट जाके ग्लूकोज के साथ ऐड हो जाएगा। अभी कहाँ जाके ऐड होगा, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ। सही है, कार्बन नंबर 6 के साथ ये ग्लूकोज ऐड हो जाएगा लाइक दिस, और ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सही है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बन गया। तो शुरू में 2 ग्लूकोज ही होता है। अब बेटा आपको पता है ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है, तो इसके फर्स्ट कार्बन पे तो कार्बोनाइल लगा हुआ है, तो अब अभी भी इतना स्टेबल है कि रिएक्ट नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। तो अब इसको फर्दर तोड़ना है, फर्दर एक और फॉस्फेट ऐड करना है। बीच के तो किसी कार्बन में नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट लास्ट कार्बन में तो ऑलरेडी फॉस्फेट ऐड है। अब फर्स्ट कार्बन पे तो जो है कार्बोनाइल मौजूद है, तो इसमें दूसरा फॉस्फेट ऐड करना यहाँ पे और नियर टू इम्पॉसिबल है। क्या होता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि फ्रक्टोज एक क्या है बेटा, फ्रक्टोज एक कीटोन शुगर है। सही है, फ्रक्टोज क्या है,
एक कीटोन शुगर है, तो कीटोन में ऑब्वियसली कार्बन नंबर 2 पे होता है कार्बोनाइल ग्रुप। अच्छा, तो ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, 6 पे फॉस्फेट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है ना बेटा, ये याद रखना, पहले सिंपल ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ऐड हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर वो आइसोमेरिज्म हुई इसमें, तो वो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। एंड देन अब यहाँ पे एक और एटीपी ब्रेक होगा और एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा कार्बन नंबर 1 के साथ, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। ठीक है ना बेटा, तो क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। अब ये ऐसा हो चुका है कि इसको बीच से तोड़ दिया जाएगा, तो इसको जब बीच से तोड़ा जाता है तो ये तीन तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जितने भी थे सारे एक एक मॉलिक्यूल थे, अब ये टूट रहा है तो यहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे दो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ से अब जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो सब डबल बनेंगी। डबल क्यों बनेंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, दो हैं। अब दो आपको पता है ये सारे तीन कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं, जब भी दो हैं, और ऊपर सारे 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स थे तो एक थे, तो इसीलिए 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स नहीं, ये मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा जी, तो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट टूटेगा और बनेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सही है, क्या बनेगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सही है। अच्छा, क्योंकि फ्रक्टोज टूटता है तो दो तीन कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं, तो जिसमें से एक ये G3P है और दूसरा होता है, मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अच्छा, दो चीजें हैं, एक है ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, क्या फर्क होता है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज जो है वो कीटोन, इसी तरह से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको DHAP लिख देते हैं और G3P लिख देते हैं। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि ये दोनों बनते हैं, फ्रक्टोज टूटता है तो एक ये बनता है और एक ये बनता है, तो ये DHAP फॉरन से कन्वर्ट हो जाता है G3P में। सही है, तो इसलिए साइकिल में हम DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को नहीं मेंशन करते। सही है, तो खैर फ्रक्टोज बन गया ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेस था, अभी तक सिर्फ एनर्जी कंज्यूम हुई है, कहीं पे फॉर्म नहीं हुई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेस था दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेस। सही है, दिस वन वॉज प्रिपरेटरी फेस। ये हमारे पास जो है अभी तक यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो हम इसको एनर्जी कंज्यूमिंग फेज भी बोलेंगे। सही है, तो प्रिपरेटरी फेज में बेटा क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, एंड देन ग्लाइसर एल्डिहाइड, यानी GGFFGG। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, अब इसको आप इसी तरह से ही याद रखोगे। इसकी मैंने शायरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझसे बनी नहीं बहुत ही कोई, मैं अब जो है ना रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी फजर का टाइम हो गया, अभी नमाज़ पढ़ के मैंने दोबारा से स्टार्ट किए, तो अभी मेरा दिमाग इतना चल नहीं रहा। चलो खैर, पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ये बन गया ग्लाइसरेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब क्या होता है, एक फॉस्फेट कहाँ से, साइटोप्लाज्म में से। सही है, साइटोप्लाज्म में से आता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, और एट द सेम टाइम इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं और NAD को मिलते हैं, तो NAD NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक फॉस्फेट ऐड हो गया। तो ये 3 फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से ऐड हुआ तो 1,3 बायफॉस्फेट हो गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया है तो ऑक्सीडाइज हो गया है, तो ग्लाइसरल्डिहाइड से ग्लाइसरेट हो गया, तो ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट। जैसे केल्विन साइकिल में ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट जो है वो रिड्यूस हुआ था तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, उसी तरह से अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3
थ्री फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होगा तो ग्लाइसरेट फॉस्फेट बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो सारे दो दो बनेंगे क्योंकि तीन तीन कार्बन वाले हैं। तो एट दिस फेज ये 1,3 जो बाई फॉस्फेट, 1 पे जो फॉस्फेट अटैच हुआ है, ये 1 से फॉस्फेट निकलेगा और यहाँ पे एटीपी एडीपी के पास जाके ऐड हो जाएगा। तो एडीपी के पास ऐड होगा तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होगी। अब क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल थे तो दो फॉस्फेट भी निकलेंगे, दो थे ना, ग्लाइसरेट 1,3-बाईफॉस्फेट दो थे, तो दोनों के कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट निकल गया, तो यहाँ पे एटीपीज भी कितने बने, दो बने, सही है। फिर ये ग्लाइसरेट जब इससे एक फॉस्फेट निकल गया तो ये बन गया ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट। अब यहाँ पे आइसोमेरिज्म होती है बेटा, और ये ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट से फॉस्फेट 3 से निकल के 2 पे आ जाता है, तो ये बन जाता है ग्लाइसरेट 2-फॉस्फेट। और अब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, रिमूव होता है, तो बनता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और वंस अगेन इसमें से फॉस्फेट निकलता है, एटीपी के पास जाता है, एटीपी बनता है, तो ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फेज आपका यहाँ से यहाँ तक का फेज आपका कहलाता है ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेटिव फेज, या हम इसको एनर्जी यील्डिंग फेज भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ से आपका अगर आप देखो, पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, एंड देन ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये था प्रिपरेटरी फेज। फिर ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो ग्लाइसरेट और ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ग्लाइसरेट 1,3-बाईफॉस्फेट, एंड ग्लाइसरेट 1,3-बाईफॉस्फेट से फॉस्फेट निकला तो ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट, फिर ग्लाइसरेट 2-फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट एंड पायरोवेट। ये आप अगर एक से दो बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने इसको जो है ना बहुत सर पे सवार किया हुआ है, लेकिन ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देखो एटीपीज की यील्ड कितनी हुई है बेटा, देखो एटीपीज दो इधर बने दो इधर बने, तो टोटल 4 एटीपीज बने, लेकिन 4 2 कंज्यूम भी हो गए थे, तो -2 कर दो क्योंकि शुरू में 2 कंज्यूम हुए हैं ना यहाँ पे, एक ये वाला एक ये वाला, तो नेट गेन हमारे पास एटीपीज का होता है 2 एटीपीज और एक NADH2 बनता है, ये रहा सॉरी ये भी दो था तो 2 NADH2 बनेगा। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट होती है 2 ATPs और 2 NADH2, सही है। अब बेटा क्या होता है, अब ये पाइरूवेट जाता है, अब या तो एरोबिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि इसकी, या तो एनएरोबिक ब्रेक डाउन होगी। तो बेटा आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।